Today we are going to have some material on elements of drama. ओके एलिमेंट्स को हिंदी में क्या कहते हैं? तत्व, है ना, रंगमंच के तत्व या फिर नाटक के तत्व, जैसे भी बोलेंगे आप. एक्चुअली व्हाट हैपेंस इज वी हैव टू वर्ड्स, ड्रामा एंड थिएटर. जनरल वी यूज ड्रामा एंड ऑल्सो वी यूज थिएटर. इन मॉडर्न टर्मिनोलॉजी ऑफ थिएटर स्टडीज और ड्रामेटिक स्टडीज, दीज टू टर्म्स आर यूज सिनोनिमसली. इसका मतलब यह है कि हम ड्रामा भी कहें या थिएटर भी कहें, दोनों का लगभग एक एक सिमिलर मीनिंग की तरफ ही जाता है. मगर वाई वी हैव दीज थ्री एलिमेंट टू टर्म्स, दैट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग. अगर एक ही मीनिंग निकलता है तो दो वर्ड्स की क्या जरूरत है ना? तो ड्रामा इज मोर अबाउट टॉकिंग अबाउट द टेक्सटुअल एस्पेक्ट्स ऑफ ड्राम थिएटर. एंड थिएटर इज अ टर्म यूज्ड ए प्लेस, उसका राइटियस डेफिनेशन इज थिएटर मींस ए प्लेस वेयर पीपल विल सिट एंड सी द ड्रामा, है ना. ड्रामा देखने के लिए आप एक जगह पे पहुंचते हैं, वहां बैठते हैं, ड्रामा देखते हैं, उसे थिएटर कहा जाता है. जैसे आप कमानी में चले गए, कोई ऑडिटोरियम में चले गए, वहां पे रविंद्र सदन में चले गए, वहां बैठ के आप नाटक देख रहे हैं, तो उसे हम थिएटर कहते हैं. और ड्रामा जो है ना, वो टेक्स्टुअल पार्ट, जो लिखित लिखित में जो मिलता है आपको, उसको हम ज्यादातर ड्रामा के तौर पे हम टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं. अगर आपको ये बता दूं कि ड्रामा और थिएटर ऑलमोस्ट लाइक कैरी द सिमिलर मीनिंग, सिमिलर काइंड ऑफ ए मीनिंग. एंड थिएटर एक और मीनिंग को भी लेके आता है. वो क्या है कि इट कैन बी ए स्पेसिफिक एरिया, स्पेसिफिक कंट्री, स्पेसिफिक लैंग्वेज के बारे में भी बात कर सकता है ना, स्पेसिफिक जॉनरा के बारे में बात करता है. जॉनरा मतलब विधा, है ना. जैसे हम बोलेंगे इंडियन थिएटर, तो जो थिएटर इंडिया को बिलोंग करता है उसके ही बात करते हैं हम, उसको हम इंडियन थिएटर कह सकते हैं. अगर सपोज आई एम टॉकिंग ओनली अबाउट बंगाली थिएटर लैंग्वेज के बारे में, ओनली बंगाली लैंग्वेज में जो लिखा गया थिएटर के बारे में हम अगर मैं बात करता हूँ, तो बंगाली थिएटर हम कह सकते हैं. या वेस्टर्न थिएटर, जो पाश्चात्य नाटक विधियों के बारे में अगर हम बात करें, तो वी कैन टॉक अबाउट, वी कैन से वेस्टर्न थिएटर. और जानरा की बात आती है तो हम बोलते हैं कि रियलिस्टिक थिएटर, अपसेट थिएटर एंड टोटल थिएटर, ऐसे जो स्पेसिफिक की बात करते हैं हम लोग. म्यूजिकल थिएटर, है ना. तो इन चीजों में कंफ्यूज ना हो, ड्रामा और थिएटर ऑलमोस्ट ये दो शब्द जो है एक ही तरफ ले जाते हैं. और हम सपोज द वर्ड ड्रामा, ड्रामा के बारे में अगर बात करें, तो इट कम्स फ्रॉम योर ग्रीक वर्ड कॉल्ड ड्रॉन. ड्रॉन का मीटिंग मतलब ये होता है कि टू डू समथिंग और टू एक्ट. एक्ट का मतलब चर्या, एक्शन, यू हैव टेकन सम एक्शन. इन द सेंस कि द डूइंग ऑब्लिक एक्टिंग मेक्स ड्रामा, वेरी सिंपल. ड्रामा इज एसेंशियली ए स्टोरी, ड्रामा इज एसेंशियली ए स्टोरी टोल्ड इन फ्रंट ऑफ एन ऑडियंस. इसका मतलब, ड्रामा का मतलब ये है, एक कहानी एक ऑडियंस के सामने हम उसकी प्रस्तुति करते हैं, तो उसे हम ड्रामा कह सकते हैं. अगर जब ऑडियंस ऑब्सेंट होते हैं तो उसे आप ड्रामा या थिएटर नहीं कहा जा सकता. आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू म्यूट योर माइक्रोफोन फ्रॉम सम पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, माइक्रोफोन वॉज ओपन. थैंक यू. नाउ कमिंग टू द एलिमेंट्स, एलिमेंट्स ऑफ ड्रामा which by which dramatic works can be analyzed or evaluated can be categorized into three major areas: literary, technical and performance. अगर ड्रामा को हम, एक बड़ा शब्द है ड्रामा, उसको हम बारीकी से समझना चाहते हैं, तो उनको तीन कैटेगरी में हम बांटते हैं. एक तो लिटरेरी कैटेगरी. लिटरेरी कैटेगरी मतलब वो साहित्य से जुड़ा हुआ जो भी अंश होगा ड्रामा का, उसको हम पढ़ेंगे. टेक्निकल एलिमेंट्स, आप जानते हैं टेक्निकल एलिमेंट्स क्या है. एक तो एक्टिंग है, डायरेक्शन है, म्यूजिक है, लाइटिंग है और कॉस्ट्यूम डिजाइन है, ये सारे चीजें उसमें आते हैं. और परफॉर्मेंस एलिमेंट्स में भी हम बात करते हैं, तो डायरेक्टर बीच में आ जाते हैं और इम्प्रोवाइजेशन, एक्टर्स की बात होती है. ऑल दीज थिंग्स विल कम आउट इन द परफॉर्मेंस एलिमेंट्स. ओके नाउ एरिस्टोटल, वी शुड नो हु इज एरिस्टोटल, बिकॉज ड्रामा का जब भी बात आती है तो द सेकंड नेम कम्स इज एरिस्टोटल. Because he is the man who has analyzed drama in Greek period, said that एक आइडियल प्ले के लिए
एक नाटक आइडियल अच्छा नाटक कहा जाने के लिए ये अंश उसमें जरूरी होते हैं। उन्होंने अपने टाइम्स के नाटकों का विश्लेषण किया, उन्होंने फिर एक सिद्धांत तरह एक बना के सभी लोगों को दिया है। तो दैट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट, एवरीबडी शुड रीड अरिस्टोटल। अरिस्टोटल, हु इज दिस अरिस्टोटल, इज अ ग्रीक फिलोसोफर हुज राइटिंग स्टिल इन्फ्लुएंस अस टुडे, बिकॉज ड्रामा जब तक रहेगा एरिस्टोटल के राइटिंग्स उसको इन्फ्लुएंस करते ही रहेंगे। ही वॉज द फर्स्ट टू राइट अबाउट दी एसेंशियल एलिमेंट्स, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स ऑफ ड्रामा। मोर देन 2000 ईयर्स बैक ही हैज रिटन, व्हाइल आइडियाज हैव चेंज्ड स्लाइटली ओवर द ईयर्स, वी स्टिल डिस्कस द एरिस्टोटल लिस्ट व्हेन वी टॉक अबाउट व्हाट मेक्स द बेस्ट ड्रामा। अभी तो उनके एलिमेंट्स में थोड़ा बहुत चेंज हुआ है, मैं आगे बताऊंगा आपको, मगर ड्रामा की बात आती है, एनालिसिस की बात आती है, तो हम अरिस्टोटल के बारे में पढ़ना और उनके बारे में जानना बहुत जरूरी हो जाता है। और उन्होंने क्या हमें दिया है, अरिस्टोटल कंसिडर्ड सिक्स थिंग्स विच आर एसेंशियल टू गुड ड्रामा। उन्होंने छह ऐसे आइटम्स बताए हैं वो बहुत जरूरी है, जैसे कि फर्स्ट प्लॉट, प्लॉट दिस इज व्हाट हैपेंस इन द प्ले। व्हाट इज प्लॉट? प्लॉट इज नथिंग बट दिस इज व्हाट हैपेंस इन द प्ले। प्लॉट रेफर्स टू द एक्शन, द बेसिक स्टोरी लाइन ऑफ द प्ले। प्लॉट का एक और सिंपलेस्ट डेफिनेशन ये है कि द रेडिकल अरेंजमेंट ऑफ ड्रामेटिक एलिमेंट्स इज नोन एज प्लॉट। प्लॉट में ये है कि सपोज मैं किसी की जिंदगी के बारे में एक नाटक बनाना चाहता हूँ, द मोस्ट ड्रामेटिक एलिमेंट्स उनके जिंदगी में जो भी हुए हैं उनको मैं चुन के एक माला की तरह पेर के उसको फिर मैं ऑडियंस को दिखाना चाहता हूँ। अगर किसी का लाइफ स्टोरी 50 ईयर्स भागता है, तो सारे 50 सालों के बारे में उनकी कहानी में क्या क्या हुआ हम नहीं बता सकते, है ना? इट इज पॉसिबल? नो। तो वी विल टेक अ वेरी इंपॉर्टेंट ड्रामेटिक एलिमेंट्स और इंसिडेंट्स ऑफ ईच इंडिविजुअल और अ प्लेस और अ कंट्री। वी ट्राई टू बिल्ड अप ए प्ले, प्लॉट करते हैं, तो यहाँ से कहानी शुरू होती है, बीच में यहाँ पहुंचती है, इसका अंत इस तरह से होता है। तो इस जो आरंभ और मिडिल और अंत तक जो जाएगा उसको हम प्लॉट कह सकते हैं। दिस इज द बेसिक स्टोरी, बेसिक कहानी जो होती है उसको हम प्लॉट कहते हैं। और नेक्स्ट एलिमेंट इज थीम। व्हाइल प्लॉट रेफर्स टू द एक्शन ऑफ द प्ले, थीम रेफर्स टू द मीनिंग ऑफ द प्ले। थीम इज द मेन आइडिया और लेसन टू बी लर्न फ्रॉम द प्ले। इन सम केसेस द थीम ऑफ द प्ले इज ऑब्वियस, द अदर्स इट इज क्वाइट सटल। इसका मतलब यह है कि थीम का क्या मतलब है, अगर हम पूरे नाटक को एक लाइन में कहना चाहते हैं तो हम क्या कहते हैं। जैसे आप भी जानते हो बॉलीवुड मूवीज में आपको एक टाइटल मिलता है, एक नीचे एक टैगलाइन भी आता है, छोटा सा टैगलाइन देते हैं, वो टैगलाइन पढ़ते ही आपको पुराना पूरा स्टोरी पता लग जाता है। सपोज सत्यमेव जयते, मैं बोल रहा हूँ राजा हरिश्चंद्र की कहानी, अब मैं नाटक बनाया सत्य हरिश्चंद्र के ऊपर, उस नाटक का पूरा मतलब क्या है, उसका पूरा मतलब यही है कि सत्यमेव जयते, ओके, हार्ड वर्क पेस टू यू। ऐसे एक लाइन में अगर मेरा पूरा कहानी बताना है तो मैं वो थीम के जरिए बताऊंगा, है ना? सत्यमेव जयते ये एक थीम है, इसके ऊपर मैंने राजा हरिश्चंद्र की नाटक लिखा है, या किसी और का भी नाटक में किसी और के बारे स्टोरी में भी लिखता हूँ, तो मेरा जो मेन आइडिया है कि टू प्रूव दैट इफ यू आर टेलिंग द ट्रूथ इट इज गोइंग टू अल्टीमेटली गोइंग टू विन द बैटल। दैट इज वॉट थीम इज। थीम इज लाइक सिंगल लाइन, एक ही सिंगल लाइन में, एक ही वाक्य में, महावाक्य होता है, एक ही वाक्य में अगर पूरा कहानी बताना है तो उसे हम थीम कहते हैं। तो ये भी हो सकता है कि हम पहले थीम डिसाइड कर ले, फिर उसको नाटक के रूप में लिखना शुरू करें या पढ़ना शुरू करें। कैरेक्टर्स, उसके बाद आते हैं कैरेक्टर्स, जो पात्र कहते हैं, चरित्र कहते हैं हम लोग। कैरेक्टर आर द पीपुल पोर्ट्रेड बाय द एक्टर्स इन द प्ले, इट इज द कैरेक्टर्स हु मूव द एक्शन और द प्लॉट ऑफ द प्ले फॉरवर्ड। यही होते हैं जो कलाकार, जो कैरेक्टर निभाते हैं वही कहानी को आगे ले जाते हैं। ईच कैरेक्टर शुड हैव देयर ओन डिस्टिंक्ट पर्सनैलिटी, एज, अपीयरेंस, बिलीफ, सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड एंड लैंग्वेज। क्यों? ईच कैरेक्टर का अपना एक पहचान होना चाहिए, अलग से पहचान होगी, उसका एज अलग होगा, वो दिखने में अलग से दिखेंगे, उनकी अपनी बिलीव्स अलग होंगे, उनका सोशल इकोनॉमिकल बैकग्राउंड अलग होगा और उनका लैंग्वेज भी अलग होगा। क्यों अलग होगा?
सारे कैरेक्टर्स एक ही तरह से दिखने लगेंगे तो हम पहचानेंगे क्यों कैसे? जैसे राम का कैरेक्टर अलग है, रावण का कैरेक्टर अलग है, विभीषण अलग से बिहेव करते हैं, हनुमान जी अलग से बिहेव करते हैं। दैट इज द मीनिंग ऑफ क्रिएशन। इन क्रिएशन ऑफ कैरेक्टर इटसेल्फ यू शुड बी केयरफुल व्हाइल इफ यू आर राइटिंग ए प्ले और इफ यू आर एक्टिंग इन दैट। उसका डिस्टिंक्ट पर्सनैलिटी होनी चाहिए, पहचान, एज दूसरा, मतलब आप किसी का 50 है, किसी का 55 है, किसी का 60 है, अपीयरेंस डिफरेंस होना चाहिए, वो किस चीजों में बिलीव करते हैं वो अलग बात होना चाहिए, उनका सोशल बैकग्राउंड अलग होना चाहिए। सोशल बैकग्राउंड मतलब उनका स्टेटस, व्हाट इज द स्टेटस ऑफ दिस पर्टिकुलर कैरेक्टर्स इन दैट पर्टिकुलर प्ले शुड बी डिफरेंट, शुड बी वेरी, देयर मस्ट बी, इट मस्ट बी वेरिएशंस शुड बी शोन, तभी तो आगे ऑडियंस पहचानेंगे कि ये वो है, ये वो है। सभी एक ही तरह से दिखने आएंगे कि कौन क्या है पता ही नहीं होता। कुछ कुछ नाटकों में ये होता है कि बाय मिस्टेक, एक्टर्स की मिस्टेक हो या फिर कुछ भी हो, सारे कैरेक्टर्स एक ही तरह से बिहेव करेंगे या बोलेंगे, तो उसमें एक मोनोटनी आती है, उसके लिए हमें ध्यान रखना पड़ेगा। नेक्स्ट आइटम इज लैंग्वेज। एरिस्टोटल रिफर्स दिस वर्ड रिफर्स टू लैंग्वेज वर्ड्स रिटन बाय द प्ले राइट। नाटककार जिन लाइंस को लिखा है उनके बारे में ये लैंग्वेज बात कर रहे हैं। एंड दीज आर अल्टीमेटली स्पोकन बाय द कैरेक्टर्स इन द प्ले। द लैंग्वेज, द डायलॉग हेल्प्स टू मूव द एक्शन ऑफ द प्ले अलोंग। यहाँ पे एक नया वर्ड आया है डायलॉग। वन मस्ट रिमेम्बर डायलॉग इज नथिंग बट कन्वर्सेशन बिटवीन टू पीपल। एक बंदा अगर बोल रहा है हमें उसे लाइन कहते हैं, है ना, वाक्य। अगर दो लोग, दो कैरेक्टर अगर हम बात करते हैं, दो लोगों के बीच में कुछ संभाषण चल रही है, उसे हम डायलॉग बोलते हैं। दया मीन्स टू, वन मस्ट रिमेम्बर। हम यूजुअली बोलते हैं तुम्हारा डायलॉग क्या है, ये नहीं होता है। तुम्हारा मेरा डायलॉग नहीं होते हैं, तुम्हारा मेरा लाइंस होते हैं। तुम्हारा और मेरा जो लाइंस जब मिलते हैं तो उसे ही हम डायलॉग करते हैं, संभाषण, है ना। ये हमें याद रखना पड़ेगा। दीज आर द टेक्निकल वर्ड्स। कम्स म्यूजिक ऑब्लिक रिदम। म्यूजिक ऑब्लिक रिदम, व्हाइल म्यूजिक इज फीचर्ड इन ड्रामा, इन केस अरिस्टोटल वॉज रिफरिंग टू द रिदम ऑफ द एक्टर्स वॉइस बाई वॉज दे स्पीक। म्यूजिक तो रिदमेटिक म्यूजिक विच इज रिटन इन टर्म्स ऑफ वर्ड्स, अगर वो रिदमेटिकली लिखे गए हैं तो उनको बोलने का तरीका भी एक रिदमेटिक तरीके से होना चाहिए। अगर आप अंदाज देखेंगे तो वो पूरा एक पोइटिक लाइंस में चलते हैं, संभाषण भी पोइटिक लाइंस में चलते हैं, वर्णन भी उसी तरह से चलता है। तो उसके बारे में अरिस्टॉटल बोलते हैं कि रिदम, प्ले में रिदम होना चाहिए, प्ले में म्यूजिक भी होनी चाहिए। लास्ट बट नॉट लीस्ट इट इज स्पेक्टिकल। स्पेक्टिकल दिस रेफर्स टू द विजुअल एलिमेंट्स ऑफ द प्ले। विजुअल, दो विजुअली हमें आंखों के सामने जो दिखते हैं वो एलिमेंट्स के बारे में, वो शायद सेट हो सकता है, कॉस्ट्यूम्स हो सकते हैं, या दे कैन बी स्पेशल इफेक्ट्स। स्पेक्टिकल इज एवरीथिंग, स्पेक्टिकल इज एवरीथिंग दैट द ऑडियंस सीज एज दे वॉच द प्ले। जो ऑडियंस स्टेज के ऊपर जो भी चीजें देखते हैं उन सभी को इस स्पेक्टिकल में हम लाके उसका एनालाइज करते हैं। दीज आर द एलिमेंट्स विच दी अरिस्टोटल वाज टॉकिंग अबाउट अर्लियर। एज आई सेड देयर आर सम स्लाइट चेंजेस फ्रॉम अरिस्टोटल 6 पॉइंट्स टू द मॉडर्न थिएटर। मॉडर्न थिएटर में उन्होंने अपना क्रम बदला है। अरिस्टोटल ने प्लॉट को नंबर वन में रखा। प्लॉट, वो बोलते हैं कि प्लॉट इज द स्पाइन ऑफ द ट्रेजेडी। स्पाइन आप बोलते हैं ना, बैकबोन है, पूरा नाटक का बैकग्राउंड क्या है, प्लॉट है। मगर मॉडर्न थिएटर प्रैक्टिशनर्स व्हाट दे हैव डन इज दे आर कंसीडरिंग कैरेक्टर इज द मेन। चरित्र, कैरेक्टर वो पहला नंबर पे रखा है, क्योंकि वो समझते हैं कि पहले आप एक कैरेक्टर को क्रिएट कीजिए, उसके इर्द गिर्द एक स्टोरी को क्रिएट कीजिए। मगर अरिस्टोटल व्हाट ही इज सेइंग, यू हैव टू क्रिएट अ स्टोरी एंड स्टोरी इटसेल्फ क्रिएट्स द कैरेक्टर। दिस इज अ बिग डिबेट। पहले आपको स्टोरी होनी चाहिए या फिर कैरेक्टर को क्रिएट करें। जैसे अगर आप मॉडर्न फिल्म्स देखें तो उसमें पहले तो कैरेक्टर क्रिएट करते हैं, एक कैरेक्टर क्रिएट किया, उसका एक छोटा सा लव स्टोरी क्रिएट किया, उसके ऑपोजिट में एक विलन को बिठाया, या इस तरह से कहानी चलती है, बिकॉज इट इज कमर्शियल एलिमेंट्स के लिए है, क्योंकि इट इज रिटन स्पेसिफिकली फॉर वन हीरो। जैसे वी आर एमिंग टू टेक शाहरुख खान और सलमान खान, देन वी विल प्रिपेयर अ स्टोरी अकॉर्डिंग टू स्टारडम ऑफ दीज एक्टर्स।
देन योर फिल्म विल बी क्रिएटेड. बट वेर एज इन थिएटर वी हैव अ स्टोरी, वी हैव रामायण, वी हैव महाभारत, और वी हैव समथिंग कॉल्ड चरणदास चोर, और वट उनका स्टोरी है उसमें से कैरेक्टर्स निकल के हमारे साथ आते हैं. तो हमारा और उसमें थिएटर में थोड़ा फिल्म में डिफरेंस है. मगर अभी आजकल थिएटर में भी दे आर पीपल आर फर्स्ट क्रिएटिंग द कैरेक्टर, देन प्लॉट, उसके देन थीम आ रहा है, थीम के बाद में उन्होंने इम्पोर्टेंस डायलॉग को दिया है, डायलॉग के बाद में कन्वेंशन है, कन्वेंशन के बाद में जानरा है, जानरा के बाद आ रहे हैं ऑडियंस. तो व्हाट आर दीज, वी जस्ट रिफर बैक. आई ऑलरेडी टोल्ड यू अबाउट द कैरेक्टर्स, कैरेक्टर्स के बारे में मैंने बताया. कैरेक्टर टू एनी एडिशन टू दैट आई वुड लाइक टू ऐड, टू क्रिएट अ कैरेक्टर वी नीड थ्री डायमेंशंस. तीन चीजों की बहुत जरूरी है. एक तो फिजिकल डायमेंशन, फिजिकल डायमेंशन का मतलब वो उनका अपियरेंस कैसा होगा, वो कैसे दिखते हैं, दुबले पतले, अच्छा पर्सनालिटी है, पावरफुल है, उस क्या है, वो हम फिजिकल में देखते हैं. फिजिकल डायमेंशन एंड सोशियोलॉजिकल डायमेंशन. सोशियोलॉजिकल डायमेंशन मतलब वेदर दिस कैरेक्टर, वेयर दिस कैरेक्टर इज एग्जैक्टली प्लेस्ड इन द दैट पर्टिकुलर कॉन्टेम्पररी सोसाइटी. सोसाइटी में वो कैरेक्टर कहाँ फिट इन होता है, वेदर ही इज अ प्राइम मिनिस्टर, वेदर ही इज अ चपरासी, वेदर ही इज अ मिडिल क्लास मैन, वेदर ही इज अ बैंकर, वेदर ही इज अ कैशियर, वेदर ही इज अ अटेंडर, उनके सोशल स्टेटस क्या है वो पहले हमें ट्राई करना पड़ेगा, ठीक है ना. उसके ऊपर भी उसकी बिहेवियर डिपेंड करती है ना. एक हायर ऑफिशियल और एक अटेंडर दोनों भी एक ही तरह का बिहेव नहीं होता है, क्योंकि स्टेटस का डिफरेंस होती है. एंड थर्ड एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज द साइकोलॉजिकल डायमेंशन. साइकोलॉजिकल डायमेंशन इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिकॉज हाउ दैट पर्टिकुलर कैरेक्टर विजुअलाइजेस और थिंक्स अबाउट एनी प्रॉब्लम. किसी प्रॉब्लम को वो प्रॉब्लम समझते हैं, या किसी छोटी बड़ी चीजों को भी, हर चीज को वो प्रॉब्लम समझते हैं. हैप्पी गोलकी है, उस तरह से हम उनको पहले देखना पड़ेगा. वो उनकी दिमाग, उनका माइंडसेट कैसा चलता है, कोई भी प्रॉब्लम के तरफ वो कैसे सोचते हैं, अपना जो ओपिनियन है वो कैसा रखते हैं. अगर वो हम तीन चीजों को ले लेंगे तो हमारे पास कैरेक्टर तैयार हो जाएगा. प्लॉट के बारे में मैंने बताया आपको पहले ही, थीम हो गया. अब डायलॉग के बारे में भी आपको मैंने बताया. कन्वर्सेशन बिटवीन टू पीपल इज नोन एज डायलॉग. कन्वेंशन, कन्वेंशन ये है, कन्वेंशन हम ये कह सकते हैं कि इट्स ए ट्रेडिशन. लाइक कुछ प्ले रेट्स ऐसे हैं कि कुछ टेक्निक्स की यूज करते हैं, उनको हम कन्वेंशन कहते हैं. और थिएटर में भी कुछ कन्वेंशन है, क्योंकि एक्टर्स जोर जोर से बोलते हैं, जब भी वो जेस्चर्स भी करते हैं तो बड़े बड़े जेस्चर्स के साथ अपना अभिनय दिखाने की कोशिश करते हैं, जबकि वो निजी जिंदगी में नहीं होता है इस तरह से. ब्रेक करते हैं उसको कन्वेंशन, बिकॉज बिकॉज द थिएटर का रीच अलग है. क्लोजअप नहीं होते हैं थिएटर में, ज्यादातर लॉन्ग शॉट्स की तरह ही हमारे पात्र स्टेज के ऊपर दिखते हैं. तो हाउ दे डू इट, कन्वेंशन ये भी है कि एक सूत्रधार आ जाते हैं बीच में, स्टोरी नरेट करते हैं, निकल जाते हैं, और कुछ कलाकार एक कैरेक्टर के तौर पे आके एक्शन करते हैं. ब्रिंगिंग अप एक सूत्रधार इज वन कन्वेंशन. आपके लिए एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ. व्हाट इज कन्वेंशन इज कि एक जगह ठहर के पूरा एक चक्कर ले लिया, तो बोलेंगे मैं अभी भू भ्रमण करके आता हूँ, करके वो एक चक्कर लेते हैं स्टेज के ऊपर. तो इट इम्प्लाइज दैट ही हैज टेकन ए प्रदक्षिणा टू द एंटायर भूमाता, है ना. ये सारे चीजें हम नहीं दिखा सकते, मगर एक छोटा सा टेक्निक के साथ, एक छोटा सा कन्वेंशन के साथ सारे चीजों को हम दिखा सकते हैं. और एक नाटक में कोई गाना भी आ रहा है, तो गाना में हम बहुत सारे कहानी को नरेट कर देते हैं. एक लंबी सी 10 साल की कहानी है, एक गाने में हम उसको दिखा सकते हैं. यूजिंग सॉन्ग इज ऑल्सो ए कन्वेंशन. ओके, टू शो द लव देर इज ए सॉन्ग. ओके, सॉन्ग म्यूजिकल में सॉन्ग कर देते हैं. तो टू एक्जैक्टली शो दैट दीज टू पीपल आर इन लव देर इज ए सॉन्ग कमिंग अप, आर ए थीम म्यूजिक विच इज कमिंग अप फ्रॉम द बैकग्राउंड, इट कैन बी ऑल्सो कंसिडर एज कन्वेंशन. ठीक है. जॉनरा, जॉनरा के बारे में मैंने बताया कि तरह तरह के नाटक होते हैं, जैसे ट्रेजेडी है, कॉमेडी है, फार्स है, रियलिस्टिक है, मेलोड्रामा है, इनको हम जॉनरा कहते हैं. ठीक है ना. ऑडियंस, ऑडियंस तो मैंने कहा था, विदाउट ऑडियंस ये जो इवेंट ऑफ थिएटर इज इनकम्प्लीट. आपके पास एक्टर्स है, कहानी है, कैरेक्टर्स है, स्पेस है, थीम है, डायलॉग है, कन्वेंशन है, जॉनरा है, सब चीजें हैं आपके पास. अगर आप इन चीजों को देखने के लिए कोई ऑडियंस ही नहीं है, तो ये नाटक नहीं कहा जा सकता,
ये सिर्फ हो सकता है कि ये परफॉर्मेंस कहे या फिर हम इसको रिहर्सल ही कहें, पूर्वाभ्यास जैसे कहते हैं हम लोग, वही होता है। मगर इट इज इट कैन नॉट बी कॉल्ड एज थिएटर। सो ऑडियंस आर एक्टिंग प्लेइंग अ वेरी मेजर रोल फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ थिएटर। जब भी रंगमंच शुरू हुआ है तब से ऑडियंस अगर नहीं है तो उसका कोई मतलब नहीं है, जस्ट बिकॉज थिएटर इज अ लाइव आर्ट। इट इज नॉट रिकॉर्डेड एज फिल्म और टेलीविजन और एनी अदर अलाइड आर्ट, बट इट इज ए लाइव आर्ट। कन्वेंशन के बारे में मैंने बता दिया आपको। ऑडियंस ऑडियंस मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ऑल द एफर्ट्स विच वी आर पुटिंग अप फॉर द एंजॉयमेंट एंड फॉर द डायडैक्टिक नेचर ऑफ द प्ले। डायडैक्टिक नेचर क्या है? आजकल हम नाटक सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए नहीं करते हैं, कुछ एजुकेशन देने के लिए भी हम नाटक करते हैं। एड्यूटेनमेंट है, थिएटर इज नाउ एड्यूटेनमेंट। ये न्यू वर्ड इज कमिंग अप, मिक्सिंग अप एजुकेशन एंड एंटरटेनमेंट, वी कॉल इज दैट एड्यूटेनमेंट। ओके, सो दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अगर हमारे ऑडियंस ही नहीं है, स्ट्रीट प्ले कर रहे हैं तो वहां कोई बंदा है ही नहीं, तो हम किसके लिए कर रहे हैं? आफ्टर ऑल आवर अल्टीमेट गोल इज टू रीच द ऑडियंस एंड गेट बैक द फीडबैक। उसे फीडबैक लेते हैं, अच्छा नाटक है, बुरा है, या फिर उसमें कुछ चेंजेस चाहिए, तो अगेन वी विल इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ द थिएटर और प्ले। ओके, तो प्लॉट स्ट्रक्चर में अगर फिर हम वापस आते हैं, मैंने पहले बताया था प्लॉट के बारे में। प्लॉट इज नथिंग बट द ड्रामेटिक अरेंजमेंट्स ऑफ द मोस्ट सेलेक्टिव ड्रामेटिक अरेंजमेंट्स को सेलेक्ट करके एक जगह रखते हैं तो उसको हम प्लॉट कहते हैं। फिर उसमें भी 6 पॉइंट उन्होंने अरिस्टॉटल ने बताया। तो वन इज द इनिशियल इंसिडेंट। ओके, दिस इवेंट गेट्स द स्टोरी गोइंग। पहला एक इंसिडेंट होती है छोटी सी, उससे फिर शुरू हो जाता है। कहीं ना कहीं हीरो और विलन टकराते हैं, वहां से आपकी स्टोरी शुरू हो जाती है। देन प्रिलिमिनरी इवेंट होती है, देन बीच में रेजिंग एक्शन जहाँ पे कुछ पीक चीजों में पहुंच जाते हैं बिफोर इट लीडिंग्स टू द क्लाइमैक्स। एंड द क्लाइमैक्स इज अ टर्निंग पॉइंट वेयर हाई पॉइंट ऑफ द स्टोरी। यहाँ पे बहुत बड़ी लड़ाई हो रही है या फिर वहां ज्यादा डिस्कशन हो रहा है उस प्रॉब्लम के बारे में, दैट वी कॉल इट एज अ क्लाइमैक्स। क्लाइमैक्स के बाद तुरंत फॉलिंग एक्शन होती है, विलन का हार जाना या विलन ही विल गो टू जेल और व्हाटएवर, उसको हम कहते हैं फॉलिंग ऑफ एक्शन। एंड लास्ट एंड फाइनल इज डेनोमा, इज अनदर टर्म यूजिंग फॉर कंक्लूजन, एंड ऑल वेल्स ऑल इज वेल करके, फ्रेंच वर्ड मीनिंग अनरेवेलिंग। हम उसको कंक्लूजन कहते हैं कि भाई सब लोग प्रॉब्लम से रिजॉल्व हो गया, एवरीबॉडी स्टार्टेड लिविंग हैप्पीली आफ्टर दैट। सो दिस इज द ग्राफ गिवन बाय वन जेंटलमैन कॉल्ड फ्रेटैक। फ्रेटैक ग्राफ हमें कहते हैं, जैसे हमने आप एक्सपोजिशन देख रहे हैं, यहाँ पे छोटा सा इंसिडेंट हो रहा है, बीच में कुछ रेजिंग एक्शन, कुछ दोनों के बीच में संघर्ष हो रहा है, बीच में जो परम पद तक पहुंच गए क्लाइमैक्स, जो यू नो पीक ऑफ द एक्शन, पिक ऑफ द एक्शन के बाद हमारा फॉलिंग एक्शन शुरू हो जाता है। एंड उसके प्रॉब्लम को हम रिजॉल्व कर देते हैं कि हीरो हीरोइन की शादी हो जाती है, कि या है विलेन पछतावा होता है, या फिर वो हार जाता है, या फिर वो मर जाता है, इस तरह के प्रॉब्लम को रिजॉल्व इस तरह से करते हैं। दिस इज द फ्रेटैक ग्राफ। ए ग्राफ इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर एनालाइजिंग एनी प्ले। ओके, दीज आर द थिंग्स विच आई वुड लाइक टू टेल यू। एंड द अदर एलिमेंट्स इज एक्सपोजिशन, स्टोरी ऑर्गेनाइजेशन। स्टोरी को हम कैसे ऑर्गेनाइज करते हैं? हर प्ले में स्टोरी ऑर्गेनाइजेशन शुड बी बिगिनिंग मिडिल एंड एंड। ये बहुत जरूरी है क्योंकि एक स्टार्टिंग पॉइंट होनी चाहिए, एक मिडिल पॉइंट है, एक एंड पॉइंट होनी चाहिए। कॉन्फ्लिक्ट, कॉन्फ्लिक्ट इज नथिंग बट द इंटरनल एक्सटर्नल स्ट्रगल बिटवीन द अपोजिट फोर्सेस आइडियाज इंटरेस्ट दैट क्रिएट्स द ड्रामेटिक टेंशन। कॉन्फ्लिक्ट मतलब संघर्ष, ये दो कैरेक्टर्स के बीच में क्या संघर्ष है? उनका एक आइडिया है, इनका एक आइडिया है, मैं ए बोलता हूँ तो वो बी बोलते हैं, मतलब दिस इज एन अपोजिट काइंड ऑफ एन एक्शन विच इज गोइंग ऑन इन बिटवीन टू ग्रुप्स आर टू पीपल आर टू आइडियोलॉजीज विच विल क्रिएट ए टेंशन, ड्रामेटिक टेंशन। सस्पेंस, कभी कभी प्लेरेट सस्पेंस को भी क्रिएट कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक चोर घर में घुसा है, एज एन ऑडियंस वी नो दैट दैट फेलो इज अ थीफ, बट उस प्ले में उस रूम में जो कैरेक्टर्स है उनको पता नहीं है कि एक चोर ऑलरेडी उनके घर में आ चुका है या फिर कोई है मर्डरर उनके घर में एंटर हो चुका है। दिस इज अ सस्पेंस। इसको हम कब रिलीव होगा है ना, ये मर्डरर या थीफ, वो कब पकड़ा जाएगा, वो ही हम वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट विच लीड्स टू द डेवलपमेंट ऑफ द प्ले विच ऑल्सो कॉल्ड एज
ड्रामेटिक आयरनी, आयरनी कहते हैं हम लोग, है ना, नाटक का व्यंग जिसे बोलते हैं ना, हमको पता है एज एन ऑडियंस, बट द प्ले में जो नाटक में काम कर रहे हैं, वो स्टेज के ऊपर है, उनके बगल में ही मर्डर है, उनके बगल में ही थीफ है, वो खुद नहीं पहचानते स्टोरी के हिसाब से, तो व्हिच क्रिएट्स दी वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट. ओके, एंड द लैंग्वेज टर्म्स इस स्टाइल, मैंने आपको बताया कि जिस स्टाइल में लिखना चाहिए. एग्जाम्पल, वेरी रियलिस्टिक लैंग्वेज हम लिख रहे हैं, जैसे फिल्मों में भी आप देखते हैं कि बम्बैया हिंदी होती है, हाँ, थोड़ा थोड़ा मराठी मिक्स होता है कहीं ना कहीं, थोड़ा साउथ इंडियन लैंग्वेज को भी, साउथ इंडियन हिंदी जिस तरह से बात किया जाता है उसको भी लिखा जाता है, वो पूरा स्टाइल कहते हैं हम लोग. सॉरी, रखिए अनदर टर्म, ए स्पीच बाय सिंगल एक्टर हु इज अलोन ऑन द स्टेज, एक ही बंदा या बंदी स्टेज के ऊपर खड़े होके बड़ा सा संभाग, बड़ा लाइंस बोल रहे हैं एक दो पेज का, उसे हम सॉरी लोक्यू करते हैं, सोलो जो बोलते हैं ना, सोलो. एंड एक मोनोलॉग होता है उसके विपरीत, ए लॉन्ग स्पीच मेड बाय वन एक्टर द प्रेजेंस ऑफ द अदर्स, स्टेज के ऊपर बहुत सारे लोग खड़े हैं मगर एक ही बंदा बात कर रहा है, जैसे जूलियस सीजर ही बात कर रहे हैं या फिर मैकबेथ ही बात कर रहे हैं, दो पेज या तीन पेज, कोई और उसके बीच में बोल नहीं रहा है, उसे हम कहते हैं मोनोलॉग. ठीक है ना, सोलिलोक्यू, मोनोलॉग, टर्म्स यू शुड नो इट. परफॉर्मेंस एलिमेंट्स आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, एक्टिंग है, कैरेक्टर मोटिवेशन है, कैरेक्टर एनालिसिस है, एम्पथी है, कैरेक्टर यूजिंग ऑफ द बॉडी वॉइस, वी आर सपोज टू पोर्ट्रे ए कैरेक्टर, दैट इज द एक्टिंग टैलेंट विच यू आर टॉकिंग अबाउट. कैरेक्टर मोटिवेशन, व्हाट इज द मोटिवेशन फॉर कैरेक्टर टू डू दिस काइंड ऑफ अ बिहेवियर, बिहेव लाइक दैट, कुछ ये कैरेक्टर ऐसे क्यों बिहेव करता है, ऐसे क्यों सोचता है, कुछ ना कुछ कारण होगा, ठीक है ना, उसको हम परफॉर्मेंस एलिमेंट्स में लेके आते हैं. जब कैरेक्टर एनालिसिस के बारे में मैंने बताया आपको, उनमें थ्री डायमेंशंस की भी जरूरत है, वो थ्री डायमेंशंस के बेस पे ही हम हर कैरेक्टर को एनालाइज कर पाते हैं. वी कैन डिफरेंशिएट ईच कैरेक्टर, वी कैन से हाँ दिस फेलो इज लाइक रामा एंड दिस फेलो इज लाइक रावण बिकॉज ऑफ दीज 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 कैरेक्टराइजेशंस विच आर बींग पोर्ट्रेट बाई दिस पर्टिकुलर कैरेक्टर और द एक्टर. एम्पथी, एम्पथी इज द कैपेसिटी टू रिलेट द फीलिंग्स टू अनदर. व्हाट हैपेंस इन अ प्ले, द ऑडियंस विल गो विथ वन पर्टिकुलर कैरेक्टर, हम एक सहानुभूति, एम्पथी का मतलब दिस शुड नॉट हैपन विद दिस कैरेक्टर, आई पिटी हिम. जब आप ओडिपस रेक्स देखते हैं, ओडिपस को देख के हमें लगता है कि हम उसके संपत्ति में जाते हैं, इतना बड़ा राजा, इतना बड़ा योद्धा, उसके अंत देखेंगे आपको, आपको बहुत दुखद लगेगा कि ऐसा नहीं होना चाहिए. वी एम्पथाइज विथ हिम एंड वी समटाइम्स वी सिंपथाइज सम कैरेक्टर, सिंपथी दिखाते हैं, एम्पथी मतलब उसके साथ जुड़ जाते हैं हम लोग, रोता है तो हम रोते हैं, वो हंसता है तो हम हंसते हैं, मगर कुछ कैरेक्टर्स ऐसे होते हैं कि उनकी उनके ऊपर हमारे सिर्फ सिंपथी होती है. देयर आर टू थिंग्स हैपेंस इन द माइंड्स ऑफ द ऑडियंस व्हाइल सीइंग ए प्ले, वन इज एम्पथी, उसके साथ चले जाना, उसके साथ घुल मिल जाना, दूसरा सिंपथी है, उनके साथ आपकी सहानुभूति है. नहीं, दिस शुड नॉट हैपन विद दिस कैरेक्टर, दिस इज वॉट सिंपथी टॉक्स अबाउट. दीज आर द एम्पथी और द सिंपथी और द टेक्निक्स विच आर यूज बाई द प्ले राइट टू अरोज डिफरेंट काइंड ऑफ इमोशंस इन द माइंड्स ऑफ द ऑडियंस व्हाइल सीइंग द प्ले. कंक्लूजन में मैं यही कहना चाह रहा हूँ, प्ले राइटिंग रिक्वायर्स सेलेक्शन एंड अरेंजमेंट. सेक्शन, सेलेक्शन इज वॉट, सेलेक्शन ऑफ ड्रामेटिक इंसिडेंट एंड उनकी अरेंजमेंट कैसे होनी चाहिए. आर्ट इज अ स्किल एक्वायर्ड बाई एक्सपीरियंस, स्टडी एंड क्लियर ऑब्जर्वेशन. जैसे कोई भी कला है उसके लिए आपको एक्सपीरियंस चाहिए, स्टडी करना जरूरी होता है और क्लियर ऑब्जर्वेशन आपकी होनी चाहिए, तभी आप उसमें सक्सीड हो पाते हैं, वेदर इट इज प्ले राइटिंग और एक्टिंग और डायरेक्शन, वट एवर यू टॉक अबाउट. प्ले राइट मस्ट कॉन्शियसली सेट अबाउट मेकिंग चॉइसेस विथ कंप्लीट प्लान एंड क्रिएटिव, कॉम्पिटेंट प्लान एंड क्रिएटिव इमेजिनेशन. प्ले राइट ऐसा ना, नाटककार के पास ऐसा शक्ति होना चाहिए कि वो कुछ चीजों को चुनना चाहिए, किन चीजों को छोड़ना चाहिए, ये उसके डिसीजन मेकिंग पावर में होना चाहिए और वो भी क्रिएटिवली करना है. ओनली देन दी वी कंसिडर द प्ले राइट वर्क एज अ वेरिएबल स्टार्ट टू द थिएट्रिकल प्रोसेस, तभी हम समझते हैं कि हाँ इस नाटककार का जो काम है वो क्रिएटिव होते होते बहुत अच्छा नाटक वो लिखते हैं, क्योंकि उनको पता है कि इस स्टोरी में कौन से घटनाओं को चुनना चाहिए, ये चुने हुए संघटनाओं को कहाँ कहाँ फिट करना चाहिए, ये अगर टेक्निक आपको आ जाता है तो आप अच्छे नाटककार बन सकते हैं. बिफोर एनीवन बिगिंस टू राइट ए प्ले, इट इज इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड द मीडियम, मीडियम उसमें क्या लिख रहे हैं आप,
कौन सी लैंग्वेज में लिख रहे हैं। हिंदी में ठीक है, हिंदी में भी बहुत सारे स्लैंग है ना, यूपी का स्लैंग है, बॉम्बे का स्लैंग है, साउथ इंडियन स्लैंग है, उसको देखना चाहिए। राइटिंग फॉर द स्टेज डिमांड्स एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ टू फंडामेंटल्स, दो ही चीज बहुत जरूरी है, द एसेंस ऑफ द ड्रामा एंड द नेचर ऑफ द थिएटर। एसेंस ऑफ द ड्रामा क्या है, उसमें आपको प्लॉट होनी चाहिए, कैरेक्टर्स होनी चाहिए, थीम रहना चाहिए, है ना। और एसेंस ऑफ थिएटर, नेचर ऑफ थिएटर क्या है, स्टाइल, वेयर यू आर गोइंग टू पुट अप दिस प्ले, दैट इज ऑल्सो मोस्ट इंपॉर्टेंट। यू हैव रिटन ए प्ले फॉर कमानी, यू रिटन ए प्ले फॉर समबडी एल्स, स्मॉल ऑडिटोरियम के लिए, और बड़े ऑडिटोरियम में हम जब जाएंगे तो उसका स्टाइल बदल जाता है। इन चीजों को भी हमें ध्यान रखना चाहिए। यू हैव रिटन ए प्ले, बट वॉट आर द पॉसिबिलिटीज ऑफ दिस प्ले बिकमिंग ए परफॉर्मेंस। नाटक लिखित में आपके पास आ गया, अगर वो दृश्य काव्य में जब बदलता है, उसकी पॉसिबिलिटीज क्या है, क्या उतने एक्टर्स हमारे पास हैं, क्या उस तरह का उस स्टैंडर्ड के एक्टर्स हमारे पास हैं, ये हमें देखना बहुत जरूरी हो जाता है। दैट्स ऑल फॉर द सेशन टुडे। आई जस्ट जस्ट अ मोमेंट। Stop presenting. That's all for the presentation today. If you have any specific doubts, you can ask one by one. Parag. सर, हेलो सर, या हैप्पी न्यू ईयर सर, आपको बहुत बहुत बधाई नए साल की। सर, जो लास्ट थैंक वाला यू। पॉइंट था वो मुझे हिट कर गया, मतलब बेसिकली कि द परफॉर्मेंस कहाँ होना चाहिए उसके हिसाब से हमको प्ले लिखना है। हाँ मतलब जैसे मैं सर, मतलब जैसे प्ले डायरेक्ट करता हूँ या कोई प्ले बनाता हूँ, तो ये पॉइंट मैं हमेशा ध्यान में रखता था कि हाँ, उसको अपने को रविंद्र भवन में करना है, भोपाल में, या एक छोटे से एक्सपेरिमेंटल थिएटर में करना है। बट ये सब लोग ध्यान में रखते हैं, ये थिएटर की थ्योरी में है, ये मुझे नहीं पता था। नहीं, ये मैं इसलिए इसको बता हम मैं बताने की जरूरत समझता हूँ कि ओनली दी आई रियलाइजेशन ऑफ योर टेक्सचुअल एलिमेंट्स इनटू परफॉर्मेंस, दैट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। जैसे आपने एक नाटक को एनविसाइज किया, सपोज आपने बोला कि चाहती ही पूजू साधु की मैं करूंगा, तो ये इस नाटक नॉट ओनली द स्पेस, स्पेस अगर चेंज होता है तो आपका स्टाइल भी चेंज होता है। आप बिल्कुल साइज साइज ऑफ द ऑडिटोरियम बढ़ रहा है तो आपका प्ले ड्रा करता है, बिल्कुल क्योंकि आपको कंसील करना पड़ता है स्टेज को। अगर 40x30 का स्टेज के ऊपर आप अपने प्ले को डिजाइन किया, वहां आप जाके देखेंगे तो वहां बहुत ज्यादा स्पेस आपको मिल जा रहा है, तो आप उसको कैसे कंसीव करेंगे वो पहले आपको जानना चाहिए। बिल्कुल सर। और हैंड यू शुड नो, ये पॉसिबल भी नहीं है ना पराग, कि यू आर डिजाइनिंग ओनली वन प्ले फॉर वन ऑडिटोरियम एंड यू आर रिस्ट्रिक्टेड टू प्ले देयर ओनली। नो नो, यू विल गो टू दिल्ली ऑल्सो, यू विल कम टू भोपाल, यू विल गो टू डिफरेंट प्लेसेस, बट यू शुड प्लान इन एडवांस। अगर मेरा स्टेज बड़ा है तो उसको मैं कैसे कंसील करूंगा, कैसे उसका स्टेज को कम करूंगा या फिर ज्यादा करूंगा। अगर स्टेज बहुत छोटा मिल रहा है तो आपका बिल्कुल 1 घंटे का प्ले 20 मिनट में हो जाएगा, तो क्योंकि मूवमेंट उतना नहीं लेंगे ना ऑडियंस और थिएटर आर्टिस्ट को जो आपने पहले ब्लॉक करके रखा है, तो इन चीजों को जानना जरूरी है। ये कह रहे हैं हम लोग, वहां जाके हम फेल्यूर को फेस करने के बजाय बिफोर हैंड, जैसे हम रिहर्सल में पहले ही देख ले रहे हैं कि क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सके हैं, तो यू शुड एनविसाइज व्हाट इज गोइंग टू हैपन व्हेन वी गो आउटसाइड, व्हेन वी टेक द सेम प्ले टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री व्हिच इज हैविंग अ वेरिएंट काइंड ऑफ अ साइजेस एंड डाइमेंशंस। और वहां पे भी टेक्निकल चीजें भी है ना, नॉट ओनली स्पेस, जैसे कि कोई लाइटिंग का भी सब प्रॉब्लम्स है वो भी है, उनको भी आपको एनविसाइज करना है तभी आप मिनिमम में बच जाएंगे, वेन्यूज में से बच जाएंगे। ये मेन आइडिया है ना। बिल्कुल सर, थैंक यू सर, थैंक हमें यू। लोग सोचना चाहिए, ये हमारा मुद्दा है, नहीं सोचेंगे उनका एक्सपर्टाइज है, हम कुछ नहीं कह सकते, है ना। थैंक इफ यू दे कैन सर, थैंक मैनेज, यू। दे कैन मैनेज। ओके, राहुल सक्सेना। एक्सक्यूज मी सर, सर मेरे को इसी पॉइंट में कुछ पूछना था या ऐड करना था। सर ये आपने राइटर्स पॉइंट ऑफ व्यू से बताया ना अभी हाँ सर, लेकिन ऐसा नहीं है कि डिजाइनर्स पॉइंट ऑफ व्यू से भी होता है। अगर हम सेम प्ले कर रहे हैं, जैसे कि मैंने पार्क प्ले लोगों को 25 लोगों की जगह पे भी करते देखा है, और सेम प्ले डिजाइन के तौर पर मानव कौल जी ने पृथ्वी थिएटर में भी किया है, और LTG में भी, और विष्णु कमानी विष्णु जैसे। विष्णु, आई एम टॉकिंग अबाउट नॉट ओनली अबाउट द प्ले राइट। ये कहानी, ये जो आइडिया है प्ले राइट्स के आइडिया से शुरू होता है,
और दर्शक के पास जाके एंड होता है। द आइडिया इज सेम, आइडिया फॉर आइडिया इज यूनिवर्सल। इस आइडिया को हर बंदे को ध्यान में रखना चाहिए, नॉट ओनली प्ले राइट। देखिए मैकबेथ कैसे लिखा है उसने, आपके लिए मेरे लिए थोड़े लिखा है, ऐसे लिख दिया उन्होंने कि वी आर परफॉर्मिंग द सेम मैकबेथ इन डिफरेंट एरियाज। आपने देखा होगा कि 20-25 जगहों में भी मैकबेथ उन्होंने परफॉर्म किया है एट द सेम टाइम, और छोटी सी जगह पे भी किया है। मतलब मैं उसमें मेरा कंटेंशन नहीं है, बट बिफोर हैंड बिफोर डिजाइनिंग एनी प्ले वी शुड हैव द मिनिमम आइडिया वेयर वी आर गोइंग टू परफॉर्म दिस, विच ग्रुप वी आर गोइंग टू परफॉर्म दिस। आई एम नॉट एमिंग एट अ वेरी प्रोफेशनल ग्रुप्स लाइक नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, रेपर्टरी कंपनी, वो तो कहीं पे भी जाओ कुछ भी करे, उनका लिए मैं बोल रहा हूँ। ज्यादातर हमारे कंट्रीज में शौकिया नाटक के ग्रुप्स होते हैं, वो बहुत जरूरी है कि उनको ध्यान में रखना चाहिए कि ये हम कौन सा नाटक कहाँ ले जा रहे हैं, उनकी ध्यान रखना चाहिए। ध्यान नहीं रखे तो परफॉर्मेंस तो हो जाएगा, पार्क में आप पार्क में ही करें, या फिर 50 लोगों के लिए, 500 लोगों के लिए करें, या 500 लोगों के लिए आपका जो नाटक रीच कैसे करेगा, ये अगर आप ध्यान में रखेंगे तो आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं सिर्फ ध्यान रखने की बात कर रहा हूँ कि दिस इज राइट नॉट राइट हार्ड नो एंड सर, फास्ट रूल। राइट राइट, थैंक यू सर, राहुल गुड मॉर्निंग सर, गुड गुड मॉर्निंग, आफ्टरनून सर, हैप्पी न्यू ईयर। सर मुझे कुछ एक दो थैंक यू चीजें सर। क्लियर करनी थी। सर हाँ वो एक्सपोजिशन आपने बताई थी अदर लिटरेरी एलिमेंट्स के ऊपर, हाँ जैसे हु व्हेन वेयर एंड व्हाट हाँ पार्ट ऑफ द प्ले। मैंने कुछ जगह जैसे पता कि मेरे एक्सपीरियंस कहते हैं कई चीजों में और बात हुई है, कई जगह हमने काम किए हैं, हु व्हेन वेयर व्हाट हाउ एंड हुम के साथ एक हाउ भी ऐड हो चुका, मतलब सिक्स एलिमेंट समथिंग लिटरली उसके आ चुके। क्या ये ठीक है? मतलब इसमें क्या सिर्फ चार बताए हैं, जैसे आपने क्या बताया लास्ट वाला? हु व्हेन वेयर व्हाट हुम एंड हाउ, प्लस हाउ ये हाउ हुम एंड तो हाउ। ऑटोमेटिकली आ जाएगा, मगर व्हाट आई एम सेइंग इज हु एम आई, है ना, हु एम आई इन दिस हाँ पर्टिकुलर सीन। ओके, व्हाट हाँ आई वांट, व्हेन आई वांट, फ्रॉम वेयर आई क्या वांट, क्या हम चाहते हैं? व्हेन मतलब हो गया टाइम, तो वेयर प्लेस हो गया। प्लेस हो गया आपका। ये हम इम्प्रोवाइजेशन में बताते हैं, एक्टिंग जी ट्रेनिंग में, दीज आर थिंग, दीज 5 W वी टॉक अबाउट, एक्चुअली हाँ, फाइव फाइव वी आर टॉकिंग अबाउट लिटरेरी हाँ वैसे एलिमेंट्स, फाइव होते बट हैं, फाइव 5 W होते हैं, होते बट हैं वैसे। हाँ हु एम आई, व्हाट आई वांट, फ्रॉम वेयर आई वांट, व्हाई आई वांट, यू नो हाउ आई वांट नहीं, व्हाई आई वांट दिस, व्हाई आई वांट दिस। तो अगर ये चीजों 5 5 W अगर आप, मैं आपको इंटरप्रिटेशन के लिए जब सेशन आएगा हाँ तब सॉरी, आपको बट बताऊंगा, हाँ बोले। अगर ये 5 W अगर आप जान गए एक्टिंग ट्रेनिंग में, आप उसको सीख लिया, तो आप प्ले भी डायरेक्ट कर सकते हैं, सीन वर्क भी कर सकते हैं, प्ले राइटिंग भी हो सकती है। यू कैन एनालाइज अ कैरेक्टर और यू एनालाइज अ प्ले, ये सारे चीजें इन 5 W में आपको इम्बाइब मिलेगा, है ना। उसके बारे में मैं फिर आपको बताऊंगा। ये जो लिटरेरी एलिमेंट्स, वो अलग बात है कि जब एक्टर के तौर पे हम जब देखते हैं तो वो 5 W 5 W फाइव समझते हैं, डब्ल्यू यस यस 5 W, यस, वो एक दैट मीन्स हाउ दे भी कम ऐड लेटर, कर दिए उसमें, मुझे या वही थोड़ा हाँ दैट इज अ हाउ तो एक डिफरेंट पूरा आर्ट। मिला के हाउ ही हो जाता है, 5 W हाँ नहीं वही देते तो तो, इसमें 4 दे मगर रखे। वो हाउ को हम इधर नहीं लाते हैं, वी टॉक अबाउट ओनली 5 W। हाँ उसमें अर्जेंसी आती है, उसमें स्टेज बिजनेस भी आता है, वो मैं आपको बिल्कुल बताऊंगा उसके बारे में जब द सेशन कम्स। ओके, ठीक है। एनी अदर क्वेश्चंस? हेलो सर, नमस्कार। नमस्कार सर आपने बताया कि एक प्लॉट होता है और करेक्टर के हिसाब से स्टोरी लिखी जाती है, सर हाँ दोनों में डिफरेंस क्या है? दोनों में तो स्टोरी होती है, दोनों में एक्टर होते हैं, दोनों में। हाँ बट जो क्रिएशन ऑफ द स्टोरी, सी एक ऑलरेडी कहानी बनी हुई है, अगर उसको हम प्लॉट कहते हैं, ठीक है ना, सिंपल टर्म में समझने के लिए, एक ऑलरेडी कहानी है, जैसे रामायण, रामायण इज ऑलरेडी प्लॉट, प्लॉट बनी हुई है उसमें। अगर हम मैं फिर एक कैरेक्टर को चुनता हूँ, जैसे रावण मूवी आई थी, तो सपोज रावण का कैरेक्टर क्रिएट किया, उसके इर्द-गिर्द आपकी स्टोरी क्रिएट, आपने उसके बाद में उसकी स्टोरी बनाई, तो दैट इज अ डिफरेंट काइंड ऑफ ए कंपोजिशन। उसमें भी प्लॉट होती है, प्लॉट इज, प्लॉट दोनों में होता है, प्लॉट अपलोड तो तो दोनों दोनों में में होता है। सर। एक नाटक, एक वो प्लॉट इज नथिंग बट एक कहानी, ऑलरेडी लिखी गई कहानी है। लिखी गई मतलब पहले कहानी लिखते हैं हम लोग, कैरेक्टर के बारे में सोचेंगे नहीं, हाँ कैरेक्टर सर ऐसा होगा, बी कैरेक्टर बुरा होगा, इसमें ये हीरो है, बी विलन है, ऐसे हम उसमें इमेजिन नहीं करते हैं, जैसे प्लॉट बनाते हैं। मगर जब
कैरेक्टर को शुरू करते हैं, सपोज आमिर खान, आपके आमिर खान के आपने डेट्स ले लिए, तो क्या करेंगे आमिर खान के इर्द गिर्द, कैसे स्टोरी बनाएंगे आप? या थ्री इडियट्स बनाएंगे या फिर आप दंगल बनाएंगे, है ना? दंगल पहले नहीं बनी है, आप जब आमिर को लेते हैं तभी दंगल बनती है, समझ रहे आप? पहले कैरेक्टर आएगा फिर बाद में दंगल आएगा, दंगल में प्लॉट है, या फिर पहले ही दंगल आ गया, पहले ही दंगल को क्रिएट किया। एक बाप ऐसा होता है कि फेल्यूर्ड बाप है, वो देखना चाहता है कि अपने बेटियों को सक्सेस हो, ये स्टोरी बनी हुई है, उसके बाद आप देखते हैं कि इस कैरेक्टर को निभाने के लिए किसको पकड़े। जी सर, अमीर नहीं होते इसमें तो चेंजेस बहुत हो जाएंगे ना, अगर इसमें अमीर नहीं है, आमिर खान नहीं है, तो अमिताभ बच्चन है, तो इसमें जरूर चेंजेस होंगे। जिसमें आपने दंगल देख चुके हैं, और सेम दंगल नहीं रहेगा, क्योंकि जस्ट बिकॉज द पर्सन हु इज पोर्ट्रेटिंग दिस कैरेक्टर इज इन्फ्लुएंसिंग द स्टोरी, कहानी को प्रभावित कर रहे हैं वो लोग। जी सर, प्लॉट पहले से बनी है तो वो कैरेक्टर्स को प्रभावित नहीं करेगा, कैरेक्टर उसमें चेंजेस भी कर सकते हैं, कैरेक्टर को इंस्पायर करेगा, कहानी बनी है तो इसमें अपना कैरेक्टर कैसे निभाना है। तो आमिर खान को अगर हम ले लिया तो उसके लिए फाइट्स होनी चाहिए, उसके लिए डांस होनी चाहिए, उसके साथ एक हीरोइन होनी चाहिए, तो आपकी कहानी तो गई बाहर में, कहानी का मतलब नहीं है ना। फिर एक ऑलरेडी कहानी बनी हुई है तो वो अलग, पुराने जमाने में जो कहानी बनते हैं दो दो कति तीन महान लोग काम करते हैं, उनका कोई किसी को इम्पोर्टेंस मिला किसी को इम्पोर्टेंस नहीं मिला, कहानी के ऊपर ही काम होता था, मगर आजकल क्या है एक कैरेक्टर के ऊपर काम हो रहा है। जैसे सलमान खान के मूवी के ऊपर काम होता है सर। बिल्कुल बिल्कुल, और कोई दिखता ही नहीं है ना, उनके सारे क्लोजअप तो नहीं के ऊपर लगते हैं, अगर स्टोरी को अगर इम्पोर्टेंस देते हैं तो बाकी लोगों का क्या, स्टोरी नहीं होती, कोई प्लॉट नहीं होता है उनके मूवीज में, मतलब कमर्शियल एलिमेंट्स है उसमें, अब उसे कुछ नहीं कह सकते, बट द स्ट्रक्चर्स आर लाइक दैट, इट मे नॉट हैपन इन थिएटर ना, अच्छा खासा नाटक जो भी दिखाना चाहते हैं यहाँ दिखा सकते हैं। सर थैंक यू, एनी अदर फेलो? यस सर, आई वांट टू ऐड समथिंग अबाउट दिस, वेदर वी आर गोइंग टू व्हिच टाइप ऑफ ऑडिटोरियम, मैं फिर से उसी पॉइंट पे आ रहा हूँ, जैसे आपने बोला कि देयर इज अ लार्ज ऑडिटोरियम। सर मैंने एक प्ले डिजाइन किया, उसके मैं शोज किया, बट वो प्ले जैसे मैंने 25 लोगों के सामने किया और 50 लोगों के सामने किया और 200 लोगों के सामने किया, लेकिन उस प्ले में मेरा कन्वर्सेशन है ऑडियंस के साथ। अब मैं उसको 800 लोगों के सामने नहीं कर सकता, 800 लोगों से मैं कन्वर्सेशन डायरेक्ट नहीं कर सकता, लेकिन मैं कन्वर्सेशन केवल 50 लोगों तक कर सकता हूँ। तो सर मैं इसमें एक ऐड करना चाहूंगा कि टाइप्स ऑफ ऑडिटोरियम इज इम्पोर्टेंट, टाइप एंड हाउ मच बैक स्टेज यू हैव। Yes, sir. Sure. And Parag, इसमें मैं ये ऐड करना चाहता हूँ कि let us not aim, suppose you are aiming to talk about only 50 auditor, 50 people को लिए करना है, तो आप 200 लोग या 500 लोगों के पास उसको ले जाइए मत, मेरा ये आप समझ रहे हैं ना, हमें उस तरह का अटेम्प्ट ही नहीं करना चाहिए कि चलो मेरा अगर मुझे चांस मिल रहा है तो मैं 50 लोगों को भी इसको दिखा दे, नहीं, क्योंकि ये तो बनी हुई है 50 लोगों के लिए बनी हुई है, बनी हुई अगर आपको 200 लोगों के तरफ ले जाना है तो आप एक और दूसरा नाटक लिखिए, दूसरा अटेम्प्ट कीजिए, जो बिल्कुल आप चाहते हैं कि ये 500 लोगों के तक भी ले जाया जाए, है ना? दिस इज मोस्ट इम्पोर्टेंट, विच आई फील पर्सनली, अभी कभी हमें होता है कि वी हैव अ चांस, वी हैव अ चांस टू परफॉर्म, सो वी मूव अहेड विद द लिमिटेशन, व्हाटएवर इज अवेलेबल, बट उसमें ये ऐसे दिक्कतें आती है, इट मे नॉट रीच द ऑडियंस और इट विल रीच द ऑडियंस और इट विल एम्ब्रेस द ऑडियंस समटाइम्स, ऐसा हो सकता है। मेरा मतलब है इसमें देयर कैन बी अ डिबेट, देयर कैन बी अ डिबेट, कोई इसमें राइट और रॉन्ग नहीं है, थिएटर में मैं यही बोलता हूँ, थिएटर में कोई बेसुरा नहीं होता है, थिएटर में कोई बेसुरा नहीं होता है, जैसे संगीत में होते हैं ऐसे थिएटर में, ये रॉन्ग है ये राइट है, आपको बैक नहीं दिखाना, वो नहीं दिखाना, ये मैं उसको मैं सपोर्ट नहीं करता, जब भी उनका अपना इंटरप्रिटेशन है, उनको जब तक आप उसको कन्विंस कर पाते हैं ऑडियंस को, ऑडियंस को मना सकते हैं किसी चीज में, तो आप करते जाइए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। राहुल सर इसी से रिलेटेड मतलब एक बात कहनी थी, जैसे क्योंकि जैसे रामायण या कुछ हम लोग करते हैं परफॉर्म, मान लीजिए एक होता है श्रीराम भारती का अलग केंद्र, वो छोटी से एक ऑडिटोरियम में होता है, एक होता है ग्रैंड बहुत बड़े स्टेज पे होता है,
उसमें लाइट एंड साउंड की काफी हेल्प लेकर काफी लोगों मतलब मैक्सिमम रीच पर पहुंचाया जाता है, थिएटर एक अलग लेवल पहुंचाया जाता है। हाँ तो वो एक तरह का मतलब ये होता है जितने मैक्सिमम रीच पे पहुंचाने के लिए आपको टेक्निकल्स कुछ टेक्निक्स यूज करनी पड़ती हैं जिसके बाद आप पहुंचते हैं और काफी मेजर टू मेजर ऑडियंस को आप कैच कर सकते हैं, इसमें एक ये बिल्कुल पॉइंट। बिल्कुल 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 हाँ अच्छा और सर अच्छा मैं जो दो तीन दो चीजें थी मेरे दो पॉइंट जो पूछना चाहता था मैं, जैसे ये जो फ्रेटेक्स आपने ग्राफ बताया सर इसकी FRATAX फ्रेटेक्स, टैग जी लास्ट में जी आता है। अच्छा फ्रेटैग, ओके फ्रेटैग है ये ग्राफ सर, ये जो बेसिकली ग्राफ है इसी इस ग्राफ को हम जैसे अगर थिएटर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो इसमें ये इतना मतलब जैसे मैं देख रहा हूँ इसके अंदर एक्सपोजिशन फिर उसके बाद आ जाता है राइजिंग एक्शन क्लाइमेक्स फॉलिंग एक्शन और रेजोल्यूशन, इसको मैं थोड़ा सा थिएटर के पॉइंट ऑफ व्यू से समझना चाहता हूँ। जैसे फिल्मों के पॉइंट ऑफ व्यू से समझ में आता है कि हाँ भाई उसमें तो आप आगे पीछे करके कुछ भी कर सकते हैं क्योंकि मीडिया इज डिफरेंट थिंग, लेकिन थिएटर के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा मुझे इसको समझना सर। नहीं, आप एक नाटक लीजिए ना, आप नाटक लेके उसको पढ़िए, आपने ये पॉइंट्स को बगल में रखिए तो आप आपको पता लग जाएगा कि कहाँ पे रेजिंग एक्शन हो रहा है। एक्सपोजिशन, एक्सपोजिशन मतलब कहाँ से शुरू हो रहा है, शुरुआत कहाँ हो रही है नाटक का, हाँ दो हाँ कैरेक्टर्स को कैसे इंट्रोड्यूस किया गया। डोंट थिंक अबाउट ठीक है फिल्म्स फर्स्ट, कोई भी नाटक हाँ आप हाँ ले लीजिए, आषाढ़ का एक दिन ले लीजिए, कोई भी नाटक ले लीजिए, उसमें आप इन चीजों को आइडेंटिफाई करने की कोशिश कीजिए, फिर हम इसके बाद में डिस्कस करते हैं। बस यू ठीक ट्राई टू रीड, है ना, ट्राई फाइन टू सर रीड वन अच्छा प्ले, सर जैसे कोई प्ले रीड कर रहे हैं हम लोग, रेजिंग एक्शन कहाँ आप फील कर रहे हो, ठीक है क्या सर मेरे मैं बात ही नहीं उसको कर रहा हूँ, एज एन ऑडियंस और एज अ डायरेक्टर अवेयर यू आर फीलिंग दैट यहाँ यहाँ रेजिंग एक्शन है, एक्सपोजिशन है शुरुआत है, और रेजिंग एक्शन है बीच में, एक क्लाइमैक्स है, क्लाइमैक्स के बाद एक्शन गिर जाता है वहां कहाँ पे आ रहा है, एक्शन और लास्ट में रिजोल्यूशन क्या है, रिजोल्यूशन मतलब एंड ऑफ द प्ले, हाँ वो कहाँ मतलब आ रही है अच्छा आपके तरफ से, सर आप वो उसको आइडेंटिफाई कीजिए, फिर हम बात करते हैं। ठीक है कन्वेंशन वो एक और चीज ये कन्वेंशन जो इसके अंदर है वो पॉइंट कन्वेंशन, मुझे थोड़ा कन्वेंशन 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 इज अ टेक्निक राहुल, आई मीन कन्वेंशन मैंने पहले भी बताया, एक सूत्रधार आके एक स्टोरी को इंट्रोड्यूस करते हैं, एक सूत्रधार बीच में आके दो कैरेक्टर, अभी देखिए राम और श्याम आएंगे बात करेंगे, वो क्या बात करेंगे हम भी सुनते हैं आपके साथ करके वो चला जाता है, तो बीच में आ जाते हैं, एक कहानी हम करते हैं, सपोज पंच लाइट देखा होगा आपने, पंच लाइट हाँ हाँ स्टोरी को विजुलाइज ये किया अरे है, हाँ फर्नीचर हाँ तो एक दो आपने लोग मुझे हाँ वो कहा सूत्रधार नहीं है, वो कहानी में ही दो कैरेक्टर से वो आके साइड में खड़ा होकर थोड़ा बात करते हैं, फिर नाटक शुरू होता है, दिस इज द कन्वेंशन टॉकिंग अबाउट। जैसे मैंने पहले भी बताया था, एक गाना आता है पूरा, गाना पूरा एक कहानी, एक लंबी कहानी है, एक लंबा नरेशन है, एक स्टोरी, एक देश के बारे में बताना है, हम नहीं बताते, एक स्टोरी के एक गाने के साथ सारी चीजों को बता देते हैं, और यह आपको एक छोटे सा कन्वेंशन आपको ये बताऊं, माइम के साथ थोड़ा सिंपल माइम के साथ एक्शन करके भी एक सारे एक इंसिडेंट को एक्सप्लेन करते हैं, उसमें कोई डायलॉग नहीं होती है, या फिर लाइट के साथ भी करते हैं हम लोग, लाइट इज ऑल्सो कैन बी यूज एज ए कन्वेंशन, व्हेन यू थ्रो ए रेड लाइट इट इज ए कन्वेंशन, व्हेन यू अच्छा थ्रो ए ब्लू लाइट इट इज ए कन्वेंशन ना, ब्लू लाइट में जाके आप मर्डर नहीं दिखाएंगे ना, बिल्कुल ब्लू लाइट बिल्कुल अगर डाले हैं तो समथिंग वेरी सूदी थिंग इज गोइंग टू हैपन, सम हैप्पी थिंग इज गोइंग टू हैपन, समथिंग ठीक विच है इज वेरी कोल्ड काइंड ऑफ ए थिंग इज गोइंग टू हैपन, अगर जब हम रेड डालते हैं तो देर कैन बी वेरी आज स्मॉल, उसमें कोई कोई डेंजरस चीज हो सकती मजार है ना, उसके विपरीत हम नहीं कर सकते क्योंकि हमारे माइंड सेट में इन कलर्स के बारे में देर आर सम सर्टेन मीनिंग्स आर ऑलरेडी क्रिएटेड, उसको ही हम कन्वेंस की तरह यूज कर सकते हैं, ठीक है ना, दिस इज व्हाट कन्वेंशन विच डायरेक्टर कैन ऑल्सो यूज, राइटर विल ऑल्सो यूज, राइटर अपने फाइन वर्ड्स में यूज करते हैं, जैसे सूत्रधार की एंट्री हो गई उसमें भी वो पॉइंट लिखने ऑफ में व्यू बोलते हैं थ्री ना, पुरुष वन पुरुष टू पुरुष थ्री पुरुष फोर स्त्री वन स्त्री टू ऐसे कैरेक्टर्स के नाम लिखते हो, दे नेवर गिव एनी नेम्स टू एनी कैरेक्टर, फाइन वो फाइन बोल सर सकते हैं कि राम श्याम सावित्री बिल्कुल बिल्कुल भानुमति, बट दे वोंट गिव, बट दैट इज ऑल्सो ए कन्वेंशन, कि दे वॉन्ट टू शो दैट दीज आर दी आइडियाज ऑफ द कॉमन मैन, नॉट एनी वन पर्टिकुलर कैरेक्टर एज सच, मैं राम फाइन बोलता हूँ तो राम इस तरह से बात नहीं कर रहे, ही कैन बी एनीबडी, पुरुष वन कोई भी हो सकता है वो, समझ रहे हैं ना, दिस इज ऑल्सो कन्वेंशन यूज बाय द प्ले राइट, व्हेन इट कम्स टू डायरेक्शन आई हैव टोल्ड यू वी विल बी यूजिंग सूत्रधारा, सूत्रधारा अगर सपोज प्ले राइट यूज भी नहीं किया है, डायरेक्टर कर सकता है, बीच में कोई कैरेक्टर
साइड में आके बात करेगा। जैसे हाँ पंछी ऐसी आती हैं, पंछी ऐसे आती हैं, अगर आप नाटक में बड़ा होगा वो साइड में बैठ के ही ज्यादा पहले बात करता है, फिर सीन में एंटर होता है, फिर बात करता है। ही ठीक टॉक टू बात, ऑडियंस एंड ही टॉक टू द कैरेक्टर, ही टॉक्स टू द ऑडियंस एंड ही टॉक्स टू द कैरेक्टर। सो दिस इज वन टेक्निक, मेनली कन्वेंशन इज नथिंग बट ए टेक्निक यूज्ड बाय टेक्निक, ये प्लेराइट टेक्निक। एंड ऑल्सो डायरेक्टर। या थैंक यू सर, थैंक यू, इट्स क्लियर नाउ। शफीउद्दीन, शफीउद्दीन हैज रेज्ड हिज हैंड। आपका आवाज नहीं आ रहा, आवाज शफीउद्दीन हो नहीं है, बीच में एक मैसेज दिया है। रेज हैंड बताओ यार, आवाज, आई एम नॉट गेटिंग योर आवाज माइक शफीउद्दीन। ऑफ है, माइक ऑफ है माइक ऑफ आपका। शफीद्दीन। सर या टेल मी, या सर, जैसे आधे अधूरे है और मोहन राकेश जी का आषाढ़ का एक दिन है, तो सर मैं पराग बोल रहा हूँ। हाँ सुन रहा हूँ। यस सर। सर तो जैसे आधे अधूरे है और मोहन राकेश जी का ही आषाढ़ का एक दिन है, तो आधे अधूरे मुझे लगता है सर कि जब उन्होंने लिखा होगा तो मुझे नहीं लगता कि उन्होंने स्टोरी सुन के सोच के लिखा होगा। आई थिंक उन्होंने कैरेक्टर्स को ध्यान में रख के लिखा है ओनली। इसलिए तो वो मॉडर्न प्लेरेट है, हाँ इसलिए तो वो मॉडर्न प्लेरेट है ना। राइट, कहानी कहीं पे भी पहुंचती नहीं है, मतलब वो एक हाँ कैरेक्टर इस तरह से है कि वो उसी तरह से बिहेव करता है ना अंत हाँ तक। हाँ हो सकता है। सर, लेकिन आधे अधूरे का मैं मुझे पर्सनली बताऊं बहुत वो कोई पसंद नहीं आया उसका एंड, क्योंकि वो बिकॉज एक एब्रप्ट कोई मीनिंग नहीं निकला उसका, कोई एसेंस नहीं 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 निकला। यार पराग, ऐसा है कुछ कुछ कला, कुछ आर्टिस्ट, आर्टिस्ट नहीं, कुछ पर्सनालिटी ऐसी है, उनको जैसे वो है वो आप उनको एक्सेप्ट करना चाहिए। यू आर नॉट गोइंग टू ट्राई टू चेंज देयर कैरेक्टराइजेशन। लाइक उसमें जो मेन कैरेक्टर है वो उसी तरह से बिहेव करता है, वो सावित्री जो है वो उसी, सावित्री क्यों नहीं बदलती, सावित्री बदलने की उम्मीद रखते हैं आप, नहीं ना। वो आप उनको, आपको अच्छा लगता है कि वो इस तरह से फाइट करती है, आप चाहते हैं कि वो हस्बैंड चेंज हो जाए, उनके साथ कुछ काम करे या फिर कुछ इस तरह से करे, मगर वो हो नहीं पाता, जैसे बहुत सारे जिंदगियों में नहीं हो पाता है। तब क्या करना चाहिए, ये मोहन राकेश का शायद मिडिल क्लास जो मेंटेलिटी होती है, कोई काम नहीं करता, एक बंदा बैठा हुआ है वो वेट कर रहा है, समथिंग शुड हैपन टू हिम, समथिंग शुड कम टू हिम ऑटोमेटिकली, कैनॉट बी चेंज्ड। मतलब हमारे जो एक्सपेक्टेशंस के विरुद्ध जब जिंदगी में होती है तो उन चीजों को हमें क्या करना चाहिए, स्ट्रगल करके उन चीजों को छोड़ना चाहिए या उनको अपनाते हुए वहीं पे रहना चाहिए मतलब अगली द जिंदगी प्ले में, है ना। लीव्स अ क्वेश्चन मार्क। या प्ले लीड द क्वेश्चन मार्क, आप चुनिए ना, आप चुनिए, आप चुनिए कि उस कैरेक्टर को छोड़ दीजिए, आपको उस बंदे को छोड़ दीजिए जहां पे वो सड़ रहा है, वो बाहर नहीं निकल के आना चाहिए, क्योंकि उसको लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं ना, उसको एक लकड़ी दे के फिर अंदर लेके आ जा रहे हैं उस एंड में, या फिर तो क्या है कि हो सकता है कि उसके बाद वो चेंज हो जाए, हमें पता नहीं। मोहन राकेश लेटेस्ट, हमारा तो उम्मीद रहता है कि भाई ये भी चेंज हो जाए, अच्छा हो जाए वो भी, है ना। हाँ ये इनके तरफ से भी जुड़ के काम करे होगा वो, अगर जब बाहर फिर वापस आने की जब वो चेष्टा कर रहा है तो शायद वो चेंज हो गया हो, एक उम्मीद का जगता है वहां पे भी, मुझे लगता है देयर आर टू साइड्स ऑफ दैट, वो चेंज नहीं होगा, या फिर जब वो वापस आया है तो शायद वो इनके साथ मिलके फिर से एक नई जिंदगी शुरू हो सकती है। वो दीज आर द एस्पिरेशन, जस्ट बिकॉज वो टाइम देखो आप, इंडिपेंडेंस जब आया तो तब वो लिखी गई प्ले है, इंडिया का जो बहुत सारे उम्मीद है स्वतंत्र भारत की तरफ, मगर आपके जब उसके उस टाइम में आपके पास जो रिसोर्स है, आपके कंपनीज जो है, आपके जो जो भी है, वो आपके एस्पिरेशंस के तरफ नहीं है, उतना आपको फुलफिल नहीं होगा, उसी टाइम में ये प्ले लिखा गया, तो वो दर्शाता है कि इन चीजों को सारी, आपकी उम्मीद 1 रुपया का है, आपके पास 4 आना भी नहीं है, तो उसमें क्या होगा, है ना। सही आने बात। वाले 10 है, आपके पास सिर्फ एक दो, एक ही रोटी है,
उम्मीद कहाँ फिलअप होती है, वही कहानी में भी दिखा गया, तो मैं उनको देखता हूँ ना। शफी नमस्कार सर जी। नमस्कार जी, बोलिए। सर मैं शफीउद्दीन फ्रॉम हैदराबाद से सर। हाँ ये मेरे को जो है निशुम्बिता थिएटर ग्रुप से हूँ सर। मैं निशुम्बिता अच्छा थिएटर में जो अच्छा राम सर जो है ना हाँ सर गुड ही गुड, बोले थे, मैं अच्छा एक्सीडेंट भी चल गया था। तो ओके अच्छा सर जी मैं अभी तो दरमिया ऐड हुआ, ये भी रिकॉर्ड होता है ना, यूट्यूब में रिकॉर्ड हाँ करते हाँ हैं ना होता सर है ये। होता है होता है, हो जाएगा। अलविन, देर वॉज अ क्वेश्चन अंडरस्टैंडिंग सोलोलोक्यू और मोनोलॉग, मैंने एक्सप्लेन किया था ना यार। सोलो एक बंदा बोल रहा है, ठीक है ना, ये होता है कि एक आर्टिस्ट वहां खड़ा है, ऊपर कोई और नहीं है, वही बोल रहा है दो तीन पेज, वो सोलोलोक्यू है। मोनोलॉग जो है कि एक बहुत सारे आर्टिस्ट, बहुत सारे कैरेक्टर्स और भी है, मगर ओनली वन सिंगल कैरेक्टर इज स्पीकिंग, दैट इज मोनोलॉग। ओके, क्या एनी अदर क्वेश्चंस? विष्णु अगेन यू हैव रेज्ड योर हैंड। हाँ यस सर। सर फार्स और कॉमेडी में मेजर डिफरेंस क्या होता है, फार्स और भैया वो कॉमेडी में? बाद में बताऊंगा, मैं आज के डेट में बता, आज के इश्यू सर में क्योंकि बताऊंगा। उसमें अरे वर्ड आया था जॉनर्स ऑफ प्लेज यार में, वर्ड तो फार्स आते ही कॉमेडी, रहेंगे। हाँ, उसका मैं इसलिए अलग से सर। सेशन लूंगा, एस्पेक्ट्स ऑफ ड्रामा, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ड्रामा, माय नेक्स्ट सेशन इज दैट, आई विल डील इन दैट। ओके ठीक ठीक है। ठीक ठीक है सर। या 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 एनी अदर क्वेश्चंस? ओके हाँ सर एक चीज उसी चीज बताओ से, बताओ। यस सर, एक्चुअली मेरे गुरुजी जो है अहमद खान सर, और गोपाल दुबे सर भोपाल में जो है, आलोक चटर्जी सर हैं, मैंने इन अच्छा सर, जैसे वो अहमद खान सर से पूछा कि सर क्या कॉमेडी कभी रियलिस्टिक हो सकती है क्या, हाँ हो सकती है, क्यों नहीं हो सकती है। बट आई नेवर फाउंड अ सिंगल कॉमेडी विच इज रियलिस्टिक, दिस इज वॉट आई पर्सनली फील, बिकॉज एवरी कॉमेडी इज फार्सिकल, दिस इज वॉट अहमद खान सर सेड। हो सकता है। सी व्हाट आई एम सेइंग इज कि वेदर इट इज रियलिस्टिक स्टाइल, कॉमेडी स्टाइलाइज्ड भी होती है, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, स्टाइलाइज्ड होता मैं है, इस बात म्यूजिकल होता है, पे मैं आपको थोड़ा एग्जांपल म्यूजिकल भी देना होता चाहूंगा सर। है, हिस्टोरिकल होती है, ये रियलिस्टिक भी होता है, रियलिस्टिक हाँ होता है। क्यों मैं ये बोल रहा हूँ, अगर आप जब इस जब तक इसको रियलिस्टिक नहीं समझते तो आप एंजॉय नहीं कर पाएंगे। ये तो या हाईली इम्पॉसिबल है, अगर आप समझेंगे तो बात खत्म हो गई ना फिर। बिल्कुल इट कैन बिल्कुल बी इट इट बिल्कुल कैनॉट बी कॉमेडी, इट कैन बी समथिंग एल्स एज फार एज आई एम कंसर्न, बिकॉज फॉर द लास्ट 10 to 12 years वी वर डूइंग ओनली कॉमेडी, ओनली या कॉमेडी, क्योंकि ऑल राइट। हम इस चीज पे फराग के लिए हाँ मेरे पास एक जवाब है सर, अगर मैं शेयर करना चाहूँ, बताओ बताओ। क्योंकि जैसे कॉमेडी का अगर ये होता ना फराग, कभी आपने इरफान खान साहब को कभी परफॉर्म करते हुए देखा होगा, या कभी महेंद्र मेहनती जी को थिएटर में कभी परफॉर्म करते हुए देखा होगा, तो जब वो कॉमेडी प्रेजेंट करते हैं तो उनकी जो कॉमेडी का स्टाइल होता है, या जो रियल जो उसका उनका जो रियलिस्टिक जो नेचुरल एक्टिंग का वो है, वो पूरा उसमें आ जाता है, वो रियलिस्टिक काउंट होता है। आपने कभी नोटिस किया हो, इरफान खान इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि सबने देखे, तो इनका जो स्टाइल है वो तो कॉमेडी तो रहेगा लेकिन वो पूरा रियलिज्म, मतलब ऐसा लगेगा नहीं कि वो उसमें होगा, तो वो रियलिस्टिक काउंट होता है। एक ये थोड़ा सा डिफरेंस आता है थोड़ा बहुत समझने के लिए, मतलब एग्जाम्पल के तौर पर है। दिस इज कॉल्ड स्टाइल ऑफ एक्टिंग में जो है ना वो रियलिस्टिक रखते हुए एंड दे आर हाँ डूइंग द जनर ऑफ कॉमेडी, जेनर दैट ऑफ व्हाट कॉमेडी एक्चुअली हैपेंस, अगर बट इन टोटालिटी वो अगर उस तरह से अगर करना भी है तो राइटिंग में भी वो रियलिस्टिक होनी चाहिए, है ना। सर नॉइजेज ऑफ मनोज उससे कभी एग्जाम्पल हो आएंगे। सकता है, शायद नॉइजेज ऑफ प्ले एग्जाम्पल हो सकता है रियलिस्टिक कॉमेडी का। ओके देखते हैं फिर। अच्छा शेयर द सर स्क्रिप्ट मुझे एक मैन, क्वेश्चन है शेयर द सर। स्क्रिप्ट मैन, स्क्रिप्ट को शेयर करो, हम भी पढ़ेंगे, हम भी जानेंगे, है ना। ऐसा नहीं श्योर है कि श्योर फॉर देखो, श्योर मैं पहले बताया था एक ब्रह्म राक्षस की स्टोरी, समझे ना, डोंट सर। कंसील्ड एनीथिंग विथ यू ओनली। अगर आपको एक अच्छा कहानी मिला है, अच्छा स्टोरी मिला है, अच्छा कविता मिला है, ट्राई टू शेयर विथ मेनी एज मेनी पीपुल एज पॉसिबल, सो दैट इट विल रीच, ज्यादा से ज्यादा लोगों को पता चले। भोपाल से नाटक एक दिल्ली तक आ रहा है, दिल्ली से कुछ चीजें उत्तर प्रदेश में कहीं पहुंच रहे हैं, मुजफ्फरनगर, तो अच्छा लगता है। बट माई पर्सनल सजेशन इज कि प्लीज शेयर एज मेनी थिंग्स एज पॉसिबल, सो दैट योर ग्रुप विल बी एनरिच्ड विद द
स्टोरी बैंक और प्ले ब्लैंक, ओके ऐसी चीजें हम शेयर करेंगे। कोई भी अच्छा प्ले होगा तो आप शेयर कीजिएगा, ठीक है सर। एक चीज भी पूछनी थी, जैसे हम लोग क्या कभी मिलके कभी क्लास वगैरह कुछ ऐसे सॉल्व वो कर सकते हैं क्वेश्चन आंसर सामने, मतलब 15 तारीख के बाद? कोरिना, हाँ शरू, शोर शोर इसको थोड़ा बंद होने दो, इस महामारी को मैं प्लान करके आप लोगों को बताऊंगा, ठीक है जी, क्योंकि हमारे ग्रुप में डिस्कशन हो रहा था। हाँ हाँ श्योर, आपकी आवाज ओके सर, ओके। चंदन आपका आवाज नहीं आ रहा है। हैप्पी न्यू ईयर सर। थैंक यू चंदन, थैंक यू। गुड मॉर्निंग सर, सॉरी सॉरी, गुड आफ्टरनून सर। नहीं नहीं, पहली बार मिल रहे हैं तो गुड मॉर्निंग ही होगा, उसमें झिझकने की कोई बात नहीं है। सर आपने जो डायलॉग के बारे में बताया था ना, नेट प्रॉब्लम के कारण क्लियर नहीं समझ पाया था। अच्छा, डायलॉग ये होता है कि दो लोगों के बीच में जो अगर संभाषण चल रही है, जैसे मैं बोल रहा हूँ आप भी बोल रहे हैं, तभी हम उसको डायलॉग बोलते हैं, समझे ना? एक्चुअली वो नहीं सर, जैसे आपने इतना ही बताया था ना। हाँ इतना ही बताया और क्या, ठीक है, हमको लगा इसके बाद भी कुछ बताया था हमको। नहीं नहीं नहीं, डायलॉग का मतलब ये है कि दो लोगों के बीच में जो संभाषण कन्वर्सेशन जैसे बोलते हैं, उसी को हम डायलॉग बोलते हैं। अगर हम बोलते हैं ना बाल दो बाल चाल, अरे तेरा डायलॉग क्या है, तेरा डायलॉग नहीं हो सकता, तेरा लाइन हो सकता है, मेरा लाइन हो सकता है, तेरा और मेरा लाइन जब मिलके एक डायलॉग होता है, ये मैं समझा रहा। दया मीन्स टू, व्हेन टू पीपल आर स्पीकिंग इट इज नोन एज डायलॉग, नॉट वन सिंगल पर्सन। टेक्निकली मैं बोल रहा हूँ, टेक्निकल चीज है ये बस, ठीक है ना? जैसे अनीस आजमीन जी का जो एक नाटक है गांधी जी और चंपारण सत्याग्रह, मान लीजिए उसमें एक कैरेक्टर है दरोगा का, अगर हम वो दरोगा का कैरेक्टर कर रहे हैं तो जैसे मान लीजिए हम पे दिया गया, तो मेरा कैरेक्टर तो समझ में आ गया कि दरोगा हम किस तरह का, मतलब कैसा दरोगा है, लेकिन ये नहीं समझ में आता है कि जो दरोगा है जो बनाया गया हो, दरोगा जो है मतलब किस कैरेक्टर का होगा, उसको कैसे जाने जाए? वो आप पूरा नाटक पढ़ेंगे तो तभी पता चलेगा। पूरा नाटक में दरोगा का जो लाइंस है वही कहीं ना कहीं अंदरूनी से आपको समझाएंगे कि ये बहुत ही इंटेलिजेंट आदमी है, ये पढ़ा लिखा है या नहीं पढ़ा है, या ये कई किस प्रांत से आ रहा है, ये किस तरह से सोचेगा, ये पूरा प्ले राइट वो आपके ही जो लैंग्वेज लाइंस लिखे हुए हैं दरोगा के लिए उसी में निक्षिप्त होगा। आप उसको बाहर निकालना पड़ेगा, है ना? आप बार बार पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा, ठीक है? ओके सर, उसके बारे में फिर चर्चा करेंगे हम लोग जी सर, कैरेक्टर को कैसे एनालाइज किया जाए उसके बारे में फिर मैं बताऊंगा, ठीक है जी? ओके ओके ओके, धन्यवाद चंदन। ये क्या है, शाही शाहिल शर्मा, या वेरी क्विकली। नमस्कार सर, नमस्कार, या नमस्कार। हाँ सर, मेरा क्वेश्चन इससे था कि जो हमने कैरेक्टर डायमेंशन के बारे में बात की थी कि फिजिकल या सोशियोलॉजिकल या साइकोलॉजिकल, है ना? तो इसमें मेरा क्वेश्चन ये था कि सर अगर हम किसी थिएटर ग्रुप में हैं तो इसमें जो ये कैरेक्टर को हमें चूज करना है, ये उसके लाइफ से रिलेटेड करना है कि उसको कैरेक्टराइजेशन के बाद ये चीजें समझ में आनी चाहिए? मैं फिर बाद में यही बोला था, मैं बाद में डिस्कस करूंगा, अगर तब पूछ लिया है जी। पहले आप कैरेक्टर को जानेंगे, आपको कैरेक्टर एक दिया गया तो ये किस तरह का कैरेक्टर है, अगर आप उसको देखेंगे जी, ये तीन डायमेंशंस की चर्चा करेंगे, वो कैरेक्टर कैसे दिखेगा, हाँ कैसे सोचेगा जी, वो सोसाइटी में उसका प्लेसिंग क्या है, ये आप पहले कैरेक्टर को पहचानेंगे। हाँ इस कैरेक्टर में जो भी लक्षण है जी, क्या आपके में भी है, जो पात्र को निभा रहा है, हाँ कर रहा है, आप में भी है, तो आपका काम आसान हो जाएगा। ओके, आप अपने सेल्फ को उधर रखेंगे जी, जैसे मेरे के गाने का आदत है, उस कैरेक्टर भी गाता है, मेरा जो गाने का टैलेंट है उसमें यूज करूंगा, अगर मेरे पास उस टैलेंट नहीं है तो मैं उसको एक्वायर करने के लिए कोशिश करूंगा, ये होता है। ओके ओके, सिंपल एज दैट, राइट सर, राइट। लंबा चौड़ा आदमी है, आप शॉर्ट है तो क्या करेंगे, आप थोड़ा पर्सनालिटी बनाने के लिए हाई हील्स पहनेंगे या कुछ और करेंगे, अटायर में चेंज लाएंगे। अगर कैरेक्टर का सपोज बेस वॉइस है, ऐसा लग रहा है आपको, तो आपका वॉइस फीबल है, तो आप उस बेस वॉइस की तरफ जाएंगे ट्रेनिंग लेके, अगर है तो, अगर नहीं है तो उन चीजों को एक्वायर करने के लिए कोशिश करेंगे, राइट सर। तो क्या सर वो अगर अभी जैसे अगर मुझे कोई कैरेक्टर दिया पहलवान का और मेरी बॉडी बहुत लीन है, मैं उसमें फिट नहीं हो रहा हूँ, तो क्या मैं उस कैरेक्टर को निभा सकता हूँ जस्ट अपने? निभा सकते हो, बिल्कुल निभा सकते हो सर।
वो मतलब उस चीज हॉलीवुड को। हीरो सिक्स पैक बना रहा है, उतना टाइम तुम्हारे हाँ पास नहीं होगा, जी 2-3 दिन का टाइम है, तो उसी हाँ में आपका कैसे आप उसको करेंगे वो आप देखना पड़ेगा, है ना। तो अब फिर वो सिर्फ दूल्हा है तो हाँ आपके कॉस्ट्यूम्स जी कैसे चेंज होंगे, आपका दिखने का ढंग जी कैसे होगा, उसमें आप प्लान कर सकते हैं, तो सर ठीक है। वो सिर्फ फिजिकल अपेयरेंस पे डिपेंड करता है कि आप अंदर से भी उस चीज को फील करें, राइट सारे मतलब। चीजों को मैंने बोला, फिजिकल होगा, साइकोलॉजिकल होगा, हाँ सोशियोलॉजिकल होगा, ये सारे चीजों के बारे में आपको सोचना पड़ेगा, ओके 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 नॉट ओनली ठीक है सर, फिजिकल। ठीक है जी ओके सर, जी राइट सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर। राइट 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 ऑल ऑफ यू, थैंक यू वेरी मच फॉर टुडे सेशन। नेक्स्ट सेशन अगेन आई विल डू ऑन संडे विद सम अदर टॉपिक। अंटिल देन गुड डे, गुड बाय, स्टे हेल्दी, ऑल द बेस्ट, हैप्पी न्यू ईयर वंस अगेन।